राहुल जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा से बरखा जी का मतलब है कि कम से कम सम्मान तो दीजिए, ओछी टिप्पणियां मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी जारी हुई थी, भीड़ में कोई आदमी बता दे उसका एक लाभ मैं मान जाऊंगा। नोटबंदी का क्या लाभ हुआ? लाभ क्यों नहीं? भाई 2000 का नोट निकाला, वो 2000 का नोट भी आपको वापस लेना पड़ा, एक लाभ नहीं निकला उस नोटबंदी का जो तमाम चीजें बताई गई थी। आपको कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म करने के लिए फिर नया तर्क देना पड़ा। जनता से जान लेते क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, बोलिए। फायदा ये हुआ भारत की जनता को, यहाँ से आतंकवाद का झंडा साफ हो गया, जिसका लॉस कांग्रेस को पड़ा। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इस देश में शांति से जनता रहे, क्योंकि इन्होंने आज तक इसको बांटने का काम कराया, इसको दंगों में बांटा, आतंकवाद कराया, और आज भी आतंकवाद ही करा रही है। आज भी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें है वही आतंकवाद है, वही माफिया बढ़ रहे, वही सारे गुंडे वहीं पे पड़ रहे और कहीं नहीं, पूरे भारत के अंदर। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे राहुल गांधी जैसे। ठीक है। नीति जी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या मानतुल्ला खा के घर कर रेट पड़ती है और आज वो अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करने चले जाते हैं? फिर वही सवाल, आखिर इतना डरते क्यों है? सबसे पहले तो मैं राहुल जी के आपके सवाल पर आती हूँ, राहुल जी के सवाल का जवाब दूंगी कि मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। जनाब, नोटबंदी यहाँ हुई थी, वहाँ पाकिस्तान में आधे लोगों ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि जिन लोग जो देश भारत में नकली नोटों की वजह से, जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाने की वजह से, जो उग्रवाद को पालता रहा, पोषण करता रहा, वहाँ पे अटैक हुआ था। आपके रहते कश्मीर में, आप जब तक थे 370 धारा हटी नहीं, कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था, देश के कौन से कोने में बम विस्फोट नहीं होता था, और उसके बाद आप लोगों के कहाँ हो रहा है? लेकिन आंकड़े 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 देखिए आंकड़े देखिए, पहले से बहुत कम हुई है, पहले से बहुत कम हुई है ये गतिविधियाँ आ रही हूँ। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस के लोग जो है, मैं कहना चाहता हूँ, कभी जो है कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी को नीच बोलते हैं, कभी मूर्ख बोलते हैं, कभी गाली देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री एक जो है सम्मानित जगह है, एक संवैधानिक जगह है, जिसका ये बार बार लोग जो है बार बार ये गलत तरीके से नाम लेते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस के टाइम में भी घोटाले हुआ करते थे, आज जो है आम आदमी पार्टी जो है वही, आज जो है ये कांग्रेस के मित्र क्यों नहीं बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सब साथ में जुड़े हुए हैं। आप देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस भी है, इंडिया गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी भी है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उनके बारे में गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि घोटालों की सरताज तो इन्हीं भी रह चुके हैं। आप देखिए, 2G घोटाला इनके टर्म में हुआ है, कोयला घोटाला इनके टर्म में हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, आज देखिए महिलाओं को जिस तरीके से जो है एक सम्मान दिया गया है, आप देखिए मणिपुर में सम्मान देखा, आपने हरियाणा में देखा, आपने गोल्ड मेडल बेटियों में देखा, आपके मुंह से महिला का नाम नहीं लेना चाहिए, महिलाओं का सबसे ज्यादा नहीं। इनके पास मणिपुर का जवाब नहीं है और इनके पास राजस्थान का जवाब नहीं है, दोनों के पास दोनों के ही सवालों का जवाब नहीं है। देखिए मणिपुर में जो है, मणिपुर में आज भी दंगा हो रहा है, आप उसके ट्यूट नहीं करते हैं, देश का प्रधानमंत्री ट्यूट नहीं करते हैं, ये सबसे शर्मसार बात है। और इजराइल पहुंचा रहा है, आतंकवादियों का समर्थन दे रहा है। ठीक है, जनता की बारी, कौन बोलना चाहता है यहाँ से? मैं आम आदमी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, जब केजरीवाल जी नहीं आए थे सत्ता में, उस समय बोले थे कि शीला दीक्षित जी महाचोर है और बहुत सारे घोटाले हैं और उन पे कार्रवाई होगी, और जैसे ही सत्ते में आ गए साइलेंट हो गए। आज वो पहले वो बोलते हैं बीजेपी वाशिंग मशीन है, तो क्या ये क्या है, कपड़ा धुलने का ब्रश है? जो शीला दीक्षित साफ हो गई, उस कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गई, और कुमार विश्वास और गोपाल जी सब पार्टी छोड़ के क्यों गए? गोपाल का क्या दायित्व है? गोपाल रहा है, नहीं है पार्टी में आज? कुमार विश्वास जी क्यों नहीं है? भैया ने भी बोला कि शीला दीक्षित को जेल में डाल रहे थे 2015 में, जब उनकी 67 सीटें आई थी, तो एक नोटिफिकेशन जारी करके अध्यादेश लाया था ताकि सारी पावर छीन ली जाए, इनकम टैक्स फिर केजरीवाल ने छीन ली, तो वो कैसे कार्रवाई करे? जब कार्रवाई चल रही थी तो उन्होंने पावर छीन ली जा रही। अभी 2 करोड़ जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, सर्विसेज विभाग का सारा पावर, अरे सुप्रीम कोर्ट को ये सरकार नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट को ये सरकार नहीं मानती। पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वो, ऐसे
से करप्शन सारे सारे दायित्व दे दिए सब सब अपने 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 चेला चमुंडे को और मेन पैसा आवक हो रहा है इनका अंदर में है, सब जेल जाएंगे उनके चेला चमुंडे पैसे। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर की जनता से बात कर लेते, इधर से कौन बोलना चाहता है? बात अमानतुल्ला खान पर हुई है, उनके यहाँ ईडी का छापा हुआ, वो कल केजरीवाल से मिले हैं, वो विपक्ष के हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है, तो सारे विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों ईडी सीबीआई के रेड होती है? इसीलिए कि वो भ्रष्टाचारी हैं, और जितने बीजेपी में हैं या जो पार्टी के लोग उसमें शामिल हो या 38 पार्टी या गठबंधन है, सबके सब ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक है किसी को? बीजेपी या उसके साथ जो 38 पार्टी है सबके सब ईमानदार हैं, और विपक्ष के सब भ्रष्टाचारी हैं। अरे इसका तो हिसाब इसी 5 स्टेट के चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे कर्नाटक में आया, हिमाचल में आया, वैसे अगर इसी तरह ईडीआई सीबीआई का अगर आप चलाते रहोगे, इतना डरने की क्या जरूरत है? ईडीआई सीबीआई तो स्वतंत्र है, उसको 5 विपक्ष नहीं है, सब जवाबदारी करना चाहिए। बोलिए ना, जो बोलना है आप बोलेंगे। नहीं बोलिए, बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी महाचोर और उसका समर्थक है आप पार्टी। आप पार्टी पर जो छापा मर रहा था, जिसमें दोनों मिल करके आप केजरीवाल को सरकार में समर्थन दिया। आज केजरीवाल केजरीवाल का भी है, केजरीवाल जी, मैडम जी, 75-76 साल से निर्वाचन आयोग के कहने पे देश को हम मत का दान करते आए हैं। क्या इस देश के सारे राजनीतिक दल इस देश के लिए सेवा का दान करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। बड़ी बात, बड़ी बात। इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने जो है गरीबों के लिए आवास दिया, प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए गैस दिया, प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जो है जनधन खाते में पैसे डाले, प्रधानमंत्री जी ने सम्मान किसान सम्मान निधि के जो है खाते में, किसानों खाते में 6,000 रुपए डाले। तो मैं कहना चाहता हूँ, गाँव गाँव तक सड़क बनाया गया प्रधानमंत्री आवास सड़क योजना के तहत। आज देखिए अटल योजना के तहत लोगों को पेंशन दिया जा रहा है, तो गांव गांव शहर शहर विकास किया जा रहा है इनके द्वारा। जनता पूछ रही है कि महिला सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा हमारा जो बीजेपी का जो बड़ा मोटो है वो वही है कि बेटियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में। इसके साथ साथ बीजेपी जो है हमेशा बेटियों को, आपने देखा जिस तरीके से लोग पहले भ्रूण हत्या कर देते थे, बेटियों को जो है नहीं पैदा नहीं करना। नहीं, अभी यूपी में घटना हुई, छात्रा का दुपट्टा खींच लिया गया, कंजावला कांड दिल्ली नहीं भूली है, अभी हम महादेव की नगरी का नहीं भूले हैं। तो फिर कौन सी? मैं चाहता हूँ ना कि एनसीआरबी का रिपोर्ट 2017 से पहले उठाकर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल होता है। कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन क्यों करेंगे? नहीं, कंपैरिजन आप अपने कार्यकाल, राजस्थान की बात नहीं होगा जहाँ पे लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, बंगाल की बात नहीं की जाएगी जहाँ पे लड़कियों को। क्यों? दिल्ली दिल्ली देश का हिस्सा नहीं है क्या? महाकाल की नगरी देश का हिस्सा नहीं है क्या? या फिर उत्तर प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? आप जवाब दे रहे कि राजस्थान पर सवाल पूछिए। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले भी एक सरकार चलती थी, वहाँ पे अपराध, वहाँ पे गुंडा राज जो है हमेशा हावी रहता। ठीक है, तो आपने रोक लिया? हाँ, हमने रोका है, हमने अच्छा काम किया है, इसी बदौलत है। देखिए हमने तभी छात्रा का दुपट्टा सरेआम खींच लिया गया और उसके बाद उसकी मौत हो। शहर में प्रशासन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने जो है गुंडा राज खत्म किया है, उत्तर प्रदेश के लोग को अंदर किया, आपने ब्रजभूषण को अंदर किया, आपने कुलदीप सिंगर को अंदर किया, आप क्यों डर गए जब ब्रजभूषण ने बोला कि मैं मुंह खोलूंगा, ठीक है।